हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी। और आज यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। पॉइंट क्या है कि यार बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। पढ़ाई तो वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, समझे यार। देखिए, मेहनत तो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते। दिक्कत क्या है कि आपको सही तरीका नहीं पता होता पढ़ने का। देखो, पढ़ाई करने का यार कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। जब आप किसी टॉपर से बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मेहनत करनी है। देखें, मेहनत आपको करनी है और उसके लिए मैं आज आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, आपको वो फॉलो करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और ढंग से सीखें। पहली चीज़ तो यार आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। टाइम एलोकेट करने का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, टाइम आपको एलोकेट करना पड़ेगा कि कितना आप पढ़ सकते हैं दिन में। जैसे कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, तो देखो आप सोचते हैं कि मैं एक दिन में पढ़ना शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ऐसा। आप पूरे दिन सोते हैं और आप सोचेंगे कि यार मैं पढ़ना शुरू कर दूं एकदम से, नहीं हो सकता ऐसा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आदत है उस चीज़ की। और फिजिक्स में एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं इनर्शिया। जो हम करते हैं ना उसकी लत पड़ जाती है हमें। कोई एक्सरसाइज करता तो कभी उससे पूछना कि उसको एक्सरसाइज करने की लत होती है, नशा होता हो एक तरीके का। कोई पढ़ता तो उससे पूछना पढ़ने की उसको लत हो जाती है, नशा हो जाता है उसको एक तरीके का, इनर्शिया। तो अगर आप पूरे दिन टीवी देखते हैं और आप सोचें कि मैं एकदम से पढ़ना शुरू कर दूंगा, नहीं होगा ऐसा। आपने 8 घंटे एलोकेट करें। मान लो आपके 8 घंटे हैं इस तरीके से, ढंग से समझें यार, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 4 आवर्स आपके मॉर्निंग के, मान लो किसी भी टाइम के आपके मॉर्निंग के हैं, और 4 आवर्स आपके इवनिंग के हैं। तो देखो, आपने सोचा कि 8 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा, तो पहला काम आपको करना है कि यार आप अपने फ़ोन को दूर रख दो। ये फ़ोन सबसे बड़ी बीमारी है, फ़ोन को मत रखो पास, फ़ोन आपका साइड में होना चाहिए। और उस 4 घंटे में, मैं मुझे पता आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप बैठे रहो टेबल पर, कुछ ना कुछ करते रहो, जितना बैठा जाए उठ जाओ। मतलब उस टाइम में आप अपने कमरे में रहें, कहीं ना जाएं, फ़ोन को ना देखें, अवॉइड करें जितना हो सके, और बैठे रहें फ़ोन से दूर, ठीक है, कंटिन्यूसली। और उस 4 घंटे में आप 1 घंटा भी पढ़ पाए बहुत है, ठीक है, बहुत मुश्किल है वैसे एकदम से पढ़ना, 1 घंटा भी पढ़ पाए बहुत है, ठीक है। आप इधर उधर लेट गए थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट कर लिया, पढ़ लिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने अगले 4 घंटे आए इसमें, एकदम से 8 तो नहीं पढ़ा जाएगा, पहले 4 घंटे को फॉलो करो, फिर 4 को, और फिर नेक्स्ट 4 को, यानी 12 घंटे तक अगर आप जा सकते हैं तो जाएं, ठीक है। तो आप देखें, आप यहाँ पर भी 1 घंटा पढ़ लें, जैसा भी हो सके। तो इस तरीके से आपको पहले तो टाइम डिसाइड होना चाहिए और आप उसी टाइम पर पढ़ें हमेशा। ऐसा नहीं हो आप किसी भी टाइम किताब उठाई पढ़ना शुरू कर दिया। आपका एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो समझे, तो पहले तो ये हमने समझा कि टाइम एलोकेशन होना चाहिए यार, कि इस टाइम आपको पढ़ना है, इसके अलावा कहीं नहीं, किसी भी टाइम आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। खाने का भी आपका टाइम डिसाइड होना चाहिए और सोने का भी टाइम डिसाइड होना चाहिए। आपकी नींद 7-6 घंटे में भी सिमट सकती है, लेकिन 7 से कम मत सो, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ भाई, मैं CBSE में तो इतना ज़रूरत नहीं होती, तो इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया काम हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। 7 घंटे से अगर मान लो आप 4 घंटे 5 घंटे रात को सोते हैं, तो 5 ही सोएं, लेकिन उसी टाइम। जैसे मान लो आप 3 बजे सोते हैं, तो 3 से आप कंटिन्यूसली सोते हैं, मान लो 8 बजे तक, तो 5 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 घंटे आप सोते हैं, लेकिन 3 से 8 ही सोए, ऐसा नहीं किसी दिन 4 सो गए, किसी दिन 2 सो गए, तो उससे ना आपकी नींद सेट नहीं हो पाएगी। और 2 घंटे मान लो आप सोते हैं 1 से 3, तो 1 से 3 ही सोए दिन में। ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 बजे सो गए, एक दिन 2 बजे, एक दिन 3। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद पूरी हो जाएगी, नींद कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरे दिन ड्राउजी यानी थके थके फील नहीं करोगे। क्या होता है यार, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन 7 घंटे ऐसा लगता नींद पूरी नहीं हुई, 8 घंटे ऐसा लगता नींद पूरी नहीं हुई। तो आपको यार मेहनत करनी है, ठीक है, एक पैटर्न में सोएं। अब बात करते हैं कि क्या होता है यार, किसी भी टॉपर से अगर आप बात करें तो उसका एक सम सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, शेड्यूल होता है, मेहनत करता है वो, ठीक है। तो मेहनत करने का एक तरीका होता है। टाइम टेबल जब आप बनाएं तो 7 दिन का बनाएं इस तरीके से। मान लो आप क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने, क्लास ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, 1 घंटे तक की क्लास होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, 1 घंटे तक की क्लास ही जनरली होती है। 2 घंटे की तो 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन एक सब्जेक्ट की 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होती, और 5 से ज़्यादा क्लास किसी भी इंस्टीट्यूट पर कहीं पर भी नहीं होती, होती हैं तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लियो भाई। तो देखो, यहाँ देखो,
जो आपने पढ़ा पहले दिन उसको देखा, आपने पढ़ के आए, आप इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए या कहीं पर भी पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा ऑफलाइन पढ़ा, उसी दिन आपको रिवाइज करना, तो दो टाइम रिवीजन हो गए, ठीक है, दो टाइम रिवीजन। अगले दिन उसको सुबह उठ के या शाम को जो भी आपका टाइम है उस टाइम उसको पढ़ो, तीन टाइम रिवीजन हो गई। संडे को उसका टेस्ट देना आपको, अगर उसमें कोई फॉल्ट मिलता है, कोई आप भूल जाते हो चीज़, तो उसको चेक करो, तो चार टाइम रिवीजन हो चुकी है आपकी। और जब महीना पूरा हो जाए तो उसको एक बार और रिवाइज कर लो, पाँच दिन महीने में ऐसे निकालो एंड में जिनमें आप रिवाइज कर पाएँ, ठीक है, फाइव डे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब देखें इसी चीज़ को आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना है। पहले देखें, दोबारा देखें, पहले आपने क्या करा, आपने क्लास ली, रिवाइज करा सेम डे, सुबह उठ को रिवाइज किया उसको, संडे को टेस्ट दिया और मंथ के एंड में एक बार रिवाइज कर लिया, पांच बार रिवीजन हो चुकी। अगली क्लास हुई, अगली क्लास को भी इसके साथ फॉलो करा, पहले दिन क्लास हुई रिवाइज करा, अगले दिन रिवाइज करा, संडे को टेस्ट दिया और फिर दोबारा से क्या हुआ भाई, आपने उसको रिवाइज करा, पांच टाइम रिवाइज, सेम इस तरीके से संडे को टेस्ट दिया, सेम ऐसे ही संडे को टेस्ट दिया, ठीक है। पांच टाइम रिवीजन का आपका प्रोविजन होना चाहिए। छठे दिन आपका रेस्ट होगा, आपको छठे दिन क्या करना, रेस्ट। एक्चुअल में रेस्ट क्या है यार, आपको जो पेंडिंग है, मान लो कुछ हो जाता है आपको, किसी वजह से छुट्टी करनी पड़ गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसको कवर करना है यहाँ पर, ठीक है, कवर करना, कुछ ना कुछ ज़रूर वीक में कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इसको कवर करना है। किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार है या कोई भी बात हो जाती है, तो यहाँ पर आपको उसको कवर करना है। और संडे वाले दिन आपको उसका टेस्ट देना है, तो सातों दिन कवर हो जाएंगे और सातवें दिन आपका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार घंटे का होगा, पाँच घंटे का, और तीन घंटे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब ये बात है यार, अगर कोई चीज़ बहुत टफ है, बहुत टफ है, जैसे जिसमें टाइम का मैटर होता है, CBSE में तो इनफ है ये, लेकिन जिसमें टाइम का मैटर होता है, तो उसके लिए आप क्या करो ना, इस प्रोसेस को डबल कर दो। जैसे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें आपको इस प्रोसेस को डबल करना पड़ेगा। जब आप क्लासेस ले रहे थे, कोचिंग ले रहे थे, तब आपने पांच टाइम रिवाइज करा, और जब आप खुद रिवाइज करेंगे उस कोर्स को, रिवाइज भी तो करोगे एक बार और, ठीक है, जब आपकी कोचिंग पूरी हो गई, क्लास पूरी हो गई, उसके बाद रिवाइज करोगे, तो इस प्रोसेस को एक बार और डबल कर दो, यानी 10 टाइम्स आप रिवाइज कर लेंगे। दुनिया कोई भी एग्जाम हो, IAS YAS कुछ हो दुनिया का, वो क्लियर है, रुकेगा नहीं, पर हाँ ये चीज़ कंटिन्यूस सक्सेशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वीक करी फिर छोड़ दी, एक वीक करी फिर छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली अगर आप करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको अगर ये बहुत, आपको इसमें ऐसा लगता है कि सर कोई कमी है, तो बताएं मेरे को कमेंट में, और आपको अगर फ़ायदा होता तो ज़रूर लाइक करें, फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।